Hi everyone, I am Shita Khurana, first year MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेजर मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं ड्यूरिंग द लास्ट डेज वो क्या हैं और आप कैसे आप वो नहीं कमिट करें. मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने मिस्टेक्स पर्सनली जब मेरा पहली बार नीट का अटेम्प्ट था तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा. तो सबसे पहले जो मेजर एस्पिरेंट्स मिस्टेक करते हैं जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि लास्ट टाइम पे ऐसा अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है, रोज एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ता है, तो रोज अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि हमारे कितने वीक टॉपिक्स रह गए हैं, हमारा तो इतना सिलेबस बचा है. आप वो नहीं सोचते हैं कि आपके अगर वीक टॉपिक्स हैं तो स्ट्रांग भी हैं और उसकी बजाय वीक टॉपिक्स की वजह से आप खुद को नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रायोरिटाइज करें कि आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नीट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जो हर साल जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसमें भी ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट है और कुछ थोड़े बहुत वीक टॉपिक्स रह गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जो अभी सोच रहे हैं कि हमारा बहुत सिलेबस कंप्लीट है, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इतने सारे सिलेबस को. तो पहले आप क्या करो कि जो प्रायोरिटी लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें अगर आपका कोई भी वीक टॉपिक रहता है या उन बच्चों के लिए जिनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट है उसमें से कोई आपका टॉपिक रह रहा है तो वो आप पहले कंप्लीट करो. जिनका सिलेबस बचा है वो पहले क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे प्रॉपरली कि एटलीस्ट उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ, फिर आप मॉडरेटली इंपॉर्टेंट और फिर आप लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाओगे. और जो दूसरे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अगर उनका कोई वीक टॉपिक उनमें से है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, पहले आप वो कवर करो, उसके बाद आप लीस्ट इंपॉर्टेंट या मॉडरेटली इंपॉर्टेंट जिसमें आपको लगता है कि आप वहां पर भी स्कोर अच्छा कर सकते हो उनको करो. तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए कमेंट्स में और मैसेजेस में ये पूछने के लिए कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करें या फिर हम रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें. तो मैंने अपनी जो एक प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने रिविजन स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप जो क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी इन टर्न आपके लिए रिवीजन ही है. तो आपको दोनों में एक बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक बैलेंस होना चाहिए कि क्वेश्चंस करने में, पेपर्स अटेम्प्ट करने में और रिवीजन करने में. ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन तीन तीन चार चार पेपर्स ही सॉल्व कर रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और उसमें जो वीक टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स का कोई फायदा नहीं है. आप ऐसे करो, एक बैलेंस बनाओ कि अगर आपने सोचा है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दोगे, आप दो दिन बाद टेस्ट दोगे, तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और आप उस हर टेस्ट से सीख रहे हो. जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम है जो अभी एस्पिरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमें मन नहीं करना है पढ़ने का, ये प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्योंकि बहुत अनसर्टेन सिचुएशन बन गई है. हमें पता नहीं है कि नीट की क्या डेट होगी, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. तो आज भी अभी भी मैं उस पर वही बात कहूंगी कि आप ज्यादा मत सोचो इस बारे में और अपना जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करो. आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में टाइम आप फिक्स कर लो कि इस टाइम हम रोज चेक करेंगे, और अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नीट पोस्टपोन हो गया है, तो प्लीज इस पे टाइम मत वेस्ट करो. मैं भी नहीं चाहती कि मैं फालतू में इस पे वीडियोस बनाऊं और कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा या अपना ओपिनियन कुछ दूं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है. मैं सोचती हूं कि उसकी बजाय मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कंटेंट लाऊं जिससे आपकी एक्चुअल में हेल्प हो, क्योंकि ये डिसीजन हम में से कोई भी नहीं ले सकता कि नीट कब पोस्टपोन होगा. जब अथॉरिटीज कहेंगी, जब सिचुएशन जैसे जैसे कंट्रोल में आएगी वैसे ही देखा जाएगा कि कैसे कैसे हमारा नीट किस डेट पे होता है. तो इस बारे में मत सोचो. अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करो. आप टारगेट्स बना लो कि हमें दो दिन बाद हमें अपना एक नीट मॉक एग्जाम देना है, तो हमें उसके लिए अभी हमारे पास बस दो दिन है हमें प्रिपेयर करना है, और उसके बाद एनालिसिस के लिए बस एक ही दिन है, जल्दी से करना है हमें और हमारे पास एक दिन का टारगेट है. तो जब भी आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करते हो तो आप टाइम के बारे में नहीं सोचते हो, या आपके दिमाग में फालतू के थॉट सिर्फ तब आते हैं जब आप पढ़ते ढंग से नहीं हो. तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे. तो जो फोर्थ मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी वो ये है, स्लीप. इट इज अबाउट स्लीप.
तो बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अब अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम ना बस 3 घंटे सो जाते हैं या 4 घंटे सो जाते हैं और अपना सिलेबस कैसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आप अपनी स्लीप का 1 घंटा आप अगर आप उसको कम करते हो, अपनी सोने का 1 घंटा आप कम करते हो, तो उसकी जगह आप 2 से 3 घंटों की एफिशिएंसी कम कर लेते हो, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर आप नींद भी कम ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है कि आप वहां से 1 घंटा कम करके 2-3 घंटे की एफिशिएंसी कम कर लो, उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। तो मैं आपको स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूंगी कि आप 6 घंटे से कम बिल्कुल भी मत सोना। मैं पर्सनली 7 घंटे से कम नहीं सोती थी, मैं 1 महीने पहले 1 हफ्ते पहले भी 7 घंटे की नींद को मेंटेन करती थी, और ये मैंने अपनी गलती से सीखा था, वो गलती जो मैंने पहले अटेम्प्ट में नीट के टाइम पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी एंग्जाइटी में, मुझे एंग्जाइटी हो जाती थी और मैं इतने स्ट्रेस में थी कि मैंने अपनी नींद को छोड़ दिया था, मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपरली, और उसकी वजह से लास्ट मंथ में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है। तो इसलिए नींद का कॉम्प्रोमाइज प्लीज मत करना। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है और अभी भी कह रही हूं, कि होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। मैं मानती हूँ हो सकता है इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल तब ना हो जब आप पूरे 2 साल या 3 साल प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन 1 महीने की लास्ट 1 महीने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका विजन होता है, जैसी आपकी वाइब होती है, वैसे आप एग्जाम में परफॉर्म करते हो। इसलिए सेल्फ डाउट नहीं करना है, होप रखना है कि जैसा भी होगा मैं अपनी पूरी बेस्ट एफर्ट आपको देना है, और ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, ये डाउट ही नहीं लाना है आपको। ये आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, आप डिटरमाइंड हो पढ़ने के लिए, आपका गोल बहुत ही डिटरमाइंड गोल है, तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। तो आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करो और ये मत सोचो कि एंड रिजल्ट उसका क्या होगा। मैंने जब ड्रॉप किया था, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट का, तब मैं एक सेल्फ डाउट मेरे अंदर आ गया था कि मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा तो शायद सिलेक्शन ही नहीं होगा। और फिर जब बाद में मैंने ये रियलाइज किया था कि जिनकी तैयारी मेरे से कम भी थी लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, उनके मेरे से मार्क्स भी ज्यादा आए थे। मैं चाहती हूँ जो मिस्टेक्स मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम की थी वो आप मत करना, और उसके लिए मैं चाहूंगी कि मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाऊं जिससे आप सबको बहुत बेनिफिट हो। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि हमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज चाहिए, और वेटेज वाइज आप प्लीज हमें टॉपिक बता दो कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पर भी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लाऊंगी, बस आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। गुड बाय।